नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSE भेल हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप DGPay का उपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, DGPay उपयोग करने वाले सभी भेल के लिए खुशी की बात यह है कि अब मनी ट्रांसफ़र आपके DGPay से होगा, यानी काफ़ी सुविधाएँ आपके DGPay में बदल दिया गया है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके DGPay में क्या परिवर्तन किया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE के पल पल की खबर मिलती रहती है। जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि DGPay में क्या बदलाव किया गया है। दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए कोई ब्राउज़र आप ओपन कर लेंगे और उसमें CSE न्यूज़ लेटर हाईलाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने CSE का न्यूज़ लेटर ऐसा दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं, इस न्यूज़ में दिया गया है CSE DGPay के माध्यम से अब डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र संभव। CSE का DGPay डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र मर्चेंट प्लेटफॉर्म, जिसका देव पोर्टल है paycse.in है, ने मनी ट्रांसफ़र उद्योग में उल्लेखनीय प्रदर्शन साबित किया है। CSE के DGPay DMT मर्चेंट दिल्ली घरेलू चल हस्तांतरित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छोटी अवधि में अगस्त 2021 में शुरू होकर अब तक DMT के पास 60 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड लेन देन है। आप इसको पढ़ेंगे, बढ़िया से रिकॉर्ड लेने हैं। इसमें 100 करोड़ बनाने का लक्ष्य है, इसे 100 करोड़ बनाने का लक्ष्य है। CSE की यह पहल उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है हो रही है जिन्होंने अपने रिश्तेदारों या व्यवसायी सहयोगियों को पैसा भेजने की जरूरत है। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा उन मजदूरों को मिल रहा है जो अपनी गाड़ी कमाई को अपने परिवार में भेजते हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि अब DGPay से मनी ट्रांसफ़र डायरेक्ट होगा, काफ़ी बढ़िया सुविधा कर दिया गया है। आप इसमें आगे आएंगे तो एक और इसका फैसिलिटी है, ये तो मनी ट्रांसफ़र की सब बताया जा रहा है, फिर आगे आएंगे तो एक और अपडेट आपको मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं, ये अपडेट है CSE द्वारा महाराष्ट्र में खाद निगम आपूर्ति विभाग के साथ समझौता ज्ञापन, यानी अब CSE द्वारा महाराष्ट्र में खाद नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कर दिया गया है। आप यहां देख सकते, नीचे दिया गया है CSE SPB ने सभी CSE सेवाओं और राशन सेवाओं के साथ सभी राशन की दुकानों को भी CSE में सक्षम करने के लिए खाद नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी इसे यह बताया जा रहा है कि कितने राशन डीलर होंगे उन सबको CSE ID दे दी जाएगी, जिससे ग्राहकों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। तो ग्राहकों को तो सुविधा होगी, लेकिन जो पुराने भेले उनको थोड़ा सा कष्ट होगा, काम कम हो जाएगा। तो यह दो नया अपडेट आया है, ये इसी के बारे में आपको बताना था। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भेल साथियों।